सुष्मिता अपनी जेठानी शांति के साथ रहती थी। दिखाने को दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन देवरानी जेठानी के बीच की लड़ाई उन दोनों के अलावा अगर कोई जानता था तो वो थे उनके पति। उन दोनों में हमेशा ही लड़ाई होती रहती थी, कभी खाने को लेकर तो कभी कपड़े को लेकर। ऐसे ही एक दिन सुष्मिता का पति वरुण अपनी पत्नी और अपनी भाभी शांति से कहता है, सुष्मिता भाभी और भैया, मैं सोच रहा था कि इस घर में एक नौकर रख लेते हैं, क्योंकि इस बड़े से घर में मेरी भाभी माँ और मेरी प्यारी पत्नी के अलावा और कोई नहीं रहता। इस घर की सफाई करने में इन दोनों का कितना समय बीत जाता है, ये हमारे लिए खाना कैसे बना पाएंगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस घर में एक नौकर को ले आता हूँ। वरुण, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इन दोनों का झगड़ा देखकर मुझे लगता है कि हमें दो नौकर रखने चाहिए। भैया, इतना बजट कहाँ है कि हम दो नौकर रख सके? अरे आजकल नौकर कितने महंगे हो गए हैं। ये बात तो है। ठीक है, फिर एक नौकर रख लेते हैं। हाँ हाँ, इस घर में नौकर ले आओ, लेकिन एक नहीं दो, क्योंकि जो नौकर मेरा काम करेगा मैं नहीं चाहती कि वही नौकर मेरी जिठानी का भी नौकर बनकर रहे। हाँ हाँ, मैं भी नहीं चाहती कि मेरा नौकर तेरा काम करे। हाँ तो कह दीजिए ना जेठ जी को कि आपके लिए भी नौकर ले आए वो। हाँ, मेरा पति मेरे लिए नौकर तो ले ही आएगा ना, क्यों नहीं लाएगा। इस तरह दोनों के बीच एक बार फिर से झगड़ा हो जाता है। ये देख वरुण और विक्रम उन दोनों की लड़ाई में ना पड़ते हुए अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, और काम पर जाते जाते दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। भैया, अगर यही हाल रहा तो हम लोगों को कभी भी खाना समय पर नहीं मिलने वाला। हाँ, तुम सही कह रहे हो वरुण, इसलिए आज शाम को ही हमें एक नौकर का बंदोबस्त करना होगा। इस तरह विक्रम और वरुण अपने काम पर चले जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुष्मिता और शांति की बहस होती रहती है। वो दोनों अपनी बहस में इतनी मगन हो जाती हैं कि उन दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब समय बीत चुका है। ऐसे ही शाम हो जाती है, और शाम के वक्त जब डोरबेल बजती है, सुष्मिता दरवाजा खोलती है। उसके सामने वरुण और विक्रम के साथ एक नौकर दिखता है। उस नौकर को देखकर सुष्मिता वरुण से कहती है, अरे वाह वरुण जी, आप तो आज सुबह नौकर की बात कर रहे थे, और देखो शाम को आप नौकर भी ले आए अपने साथ। पति हो तो ऐसा, वरना ना हो। सुष्मिता की बातें सुनकर शांति का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपने पति के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, अजी आप क्यों नहीं लेकर आए, आपको दिखाई नहीं देता मैं कितनी थक जाती हूँ। अरे भाग्यवान, इस नौकर को मैं और वरुण हम दोनों ही लाए हैं। श्याम लाल किसी एक की चाकरी नहीं करेगा, बल्कि वो पूरे घर की सेवा करेगा। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्याम लाल किचन ऊपर है, जाकर खाना बना दो। ठीक है साहब। श्यामलाल किचन में जा ही रहा था कि तभी शांति उसे रोकते हुए कहती है, अरे श्यामलाल, पहले तुम मेरा और विक्रम जी का खाना बना देना। इन दोनों को क्या है, इन दोनों का आराम से बनाते रहना, क्योंकि ये लेट नाइट्स होते हैं। ठीक है मैम साहब। अरे ऐसे कैसे, श्यामलाल पहले तुम मेरा खाना बनाओगे। बेचारा श्यामलाल उन दोनों की बात में फंस जाता है। वो सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पहले किसका खाना बनाया जाए। ये देख अब विक्रम श्यामलाल का समय फिक्स कर देता है, और अपने समय अनुसार श्यामलाल अपना काम करता है। कुछ दिन तो घर में शांति का माहौल बना रहता है, लेकिन एक दिन श्यामलाल कपड़े धोने के लिए सुष्मिता के पास जाता है और उसे कहता है, बेन साहब कपड़े धोने के लिए हैं तो आप मुझे दे दीजिए, मैं अभी आपके कपड़े धो देता हूँ। उसकी बात सुनकर शांति आती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, श्यामलाल तुम पहले मेरे कपड़े धोगे, अगर तुमने मेरे कपड़े नहीं धोए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। जी जी, नाम तो आपका शांति है, लेकिन आपके अंदर ना शांति नहीं है बिल्कुल भी। अरे इस समय वो मेरे कपड़े धोएगा। हाँ, श्यामलाल उन दोनों की बातें सुनकर फिर से एक बार फंस जाता है। दुखी होते हुए कहता है, मैम साहब आप दोनों ही मुझे अपने कपड़े दे दीजिए, मैं एक साथ कपड़े धो दूंगा। नहीं, हमारे कपड़े एक साथ नहीं धुलेंगे। नहीं, हमारे कपड़े एक साथ नहीं धुलेंगे। उनकी बात सुनकर श्यामलाल बेचारा एक बार फिर कंफ्यूज हो जाता है, और वहां से मुंह लटकाए नीचे किचन में जाकर काम करने लगता है। ऐसे ही समय बीतने लगता है, और एक दिन श्यामलाल शांति के कमरे में कुर्सी पर खड़ा होकर पंखे को रगड़ रगड़ के साफ कर रहा था। ये देख सुष्मिता नौकर के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, श्यामलाल तुमने आज तक इस तरह से मेरे कमरे की सफाई तो नहीं करी। अरे ऐसी कौन सी मेहरबानी कर रही है जेठानी जी, जो तुम उनके कमरे की इतने अच्छे से सफाई कर रहे हो।
श्यामलाल कुछ बोलता तभी शांति आ जाती है और सुष्मिता को जवाब देते हुए कहती है, देवरानी जी आप कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि अभी आपके कमरे की सफाई का समय नहीं आया है, तो आप मेरे कमरे में आकर अपना लेक्चर मत दो श्यामलाल को। सुष्मिता मुंह बनाते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद श्यामलाल सुष्मिता के कमरे की सफाई करने आता है। सुष्मिता श्यामलाल से अपने दरवाजे को भी घिसवाती है और अपने शीशे को भी चमकवाती है, कभी अपने कमरे के फर्श को अच्छे से रगड़वाती है और इस तरह श्यामलाल पूरी तरह से फंस जाता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन दोनों को कैसे संभाला जाए, लेकिन वो बेचारा करता भी क्या, मजबूर था। ऐसे ही एक दिन श्यामलाल बाजार से सब्जियां लेने जा रहा था, तभी वो खुद से कहता है, क्यों ना मैं एक ही समय पर दोनों मेम साहब की सब्जियां ले आऊं और दोनों को अलग अलग समय पर दिखा दूंगा कि मैं अलग समय पर यही सब्जियां लेकर आया हूं, यही ठीक रहेगा। इस तरह श्यामलाल सब्जियों को लेकर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर में घुसता है वैसे ही उसके सामने सुष्मिता और शांति खड़ी होती है। ये देख श्यामलाल के पसीने छूट जाते हैं। ये देखकर सुष्मिता कहती है, क्यों श्यामलाल तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? तुमने कोई गलत काम किया है क्या? श्यामलाल मैंने कितनी बार मना किया था कि इसके काम के साथ मेरा काम नहीं करना, लेकिन तुमने फिर से वही किया ना जो तुम्हें नहीं करना था। इस तरह दोनों अब श्यामलाल को खरी खोटी सुनाने लगती है, और इतना सुनने के बाद कोई नौकर उनके घर में काम कर ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए श्यामलाल ने जवाब देते हुए उन दोनों से कहा, मैम साहब माफ करना, लेकिन मैं आपके घर में और काम नहीं कर सकता क्योंकि एक ही काम दो दो बार करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अरे तो क्या तुम उसके पैसे नहीं ले रहे हो? उसकी ये बात सुनकर बेचारा श्यामलाल चुप हो जाता है और ना चाहते हुए भी उन दोनों का काम करना पड़ता है। अलग अलग समय पर एक ही काम दो बार करता हुआ खुद को देख वो बहुत परेशान होता रहता है। परेशान होकर विक्रम और वरुण के पास जाता है और कहता है, साहब मैं और काम नहीं कर सकता, यहाँ एक ही काम दो दो बार करना पड़ता है। अरे एक काम अगर कोई दो दो बार करेगा तो परेशानी हो जाएगा ना, इसलिए मैंने अब ठान लिया है कि इतने कम पैसों में मैं नहीं काम करने वाला। अगर आपको काम करवाना है तो आप किसी दूसरे नौकर को ढूंढ लो। मैं तो यही सलाह देना चाहूंगा कि आप दोनों अपनी अपनी पत्नियों के लिए अलग अलग नौकर रखना, वरना उस बेचारे का भी मेरे जैसा ही हाल हो जाएगा। इतना कहकर श्यामलाल उनकी नौकरी उनको ही सौंप कर चला जाता है। इस तरह बेचारे वरुण और विक्रम परेशान हो जाते हैं। कुछ समय बाद उन दोनों की पत्नियां हॉल में आती है और अपने पतियों से कहती है, अरे श्यामलाल कहाँ है? अरे श्यामलाल कहाँ है? दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वो काम छोड़कर चला गया, तुम दोनों ने उसके नाक में दम कर रखा था। अच्छा तो हम लोगों ने उसके नाक में दम कर रखा था तो तुमने उसको निकाल दिया ना, तो अब इस घर का काम तुम लोग ही करोगे? हाँ मेरी देवरानी बिल्कुल सही कह रही है, अब इस पूरे घर का काम तुम लोगों को ही करना होगा। इतना कहकर दोनों देवरानी जिठानी चली जाती हैं। अब बेचारे वरुण और विक्रम दोनों को ही घर का काम करना पड़ता है, घर की सफाई, कपड़े धोते, बर्तन धोते और खाना बनाने के बाद बेचारे दोनों ऑफिस जाते।